हम अपनी वर्ल्ड क्लास डिजाइन टेक्नोलॉजी से डोमिनार की हर राइड को एक जबरदस्त हाइपर राइड बनाते हैं। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज की वीडियो में बजाज की 250cc बाइक के बारे में बात करेंगे, जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। सो उसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बजाज ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट निकाली जिसमें उसने बोला था कि वो अपनी 250cc सेगमेंट बाइक को लॉन्च करेगी 2020 में। सो अभी कुछ पिक्चर्स लीक हुई है जिनमें कि आपको दिख रही होगी डोमिनार 400, बट वो असल में डोमिनार 400 नहीं, वो डोमिनार 250 है, जिसको देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि उसका जो रियर का टायर है, उसका जो साइज है, वो भी कम है। मतलब ज़्यादा चौड़ा टायर नहीं है जो आपको डोमिनार 400 में मिलता है, उसमें आपको वही साइज मिलता है टायर का जो आपको R5 V3 में मिलता है, 145/70/17 का टायर। सो वो टायर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो इसका स्विंग आर्म है, वो भी नॉर्मल है, बिल्कुल आपको यहाँ पे नॉर्मल स्विंग आर्म मिलता है इस जो फोटो लीक हुई है इसमें। एंड जो डोमिनार 400 में मिलता है, उसमें आपको काफ़ी मतलब डिफरेंट मिलता है। सो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल गया होगा यार, डोमिनार 400 का BS6 मॉडल तो हो ही नहीं सकता है। सो यहाँ पे डोमिनार 250 बिल्कुल कन्फर्म है कि डोमिनार 250 ही आ सकती है, जो कि आपको ऑटो एक्सपो 2020 में देखने को मिलने वाली है। वहाँ पे बजाज इस बाइक को शोकेस करने वाला है। एंड उसी के साथ साथ जितनी भी ऑटो एक्सपो की जितनी भी बाइक्स आएंगी ऑटो एक्सपो में, उन सभी की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, बिकॉज मैं भी वहां पे जाने वाला हूं, जो कि मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। सो वहां पे मैं जरूर जाऊंगा और सारी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो गाइस, सब्सक्राइब कर लेना चैनल यदि अभी तक नहीं किया है। सो गाइस, बात करूँ इसके चेंजेस के बारे में। चेंजेस की बात करते हैं, चेंजेस मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहे, जो मैंने आपको बताया। एक तो टायर साइज लग रहा है, जो कि शायद आपको थोड़ा सा पतला टायर मिले यहाँ पे, जो कि आपको R5 में मिलता है। एंड यहाँ पे स्विंग आर्म आपको डिफरेंट मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपको फुल बॉडी, मतलब बिल्कुल वही सेम बॉडी डिजाइन मिलने वाला है। एंड उसी के साथ साथ सारे वही सब कुछ मिलने वाला है जो आपको 400 में मिलता है। काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे कि इसमें आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको USD फोर्क मिलेगा फ्रंट में, जो कि आपको डोमिनार 400 में मिलता है। वही सस्पेंशन सेटअप आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। सो बात करूँ नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, सो यहाँ पे आपको इसमें वही सेम आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है, जो कि आपको डोमिनार 400 में मिलता था। एंड वही सेम आपको हेडलैम्प वगैरह या फिर एग्जॉस्ट वगैरह, वही सब कुछ सेम मिलने वाला है। मीटर कंसोल की बात करूँ तो वो भी आपको सेम ही मिलने वाला है जो आपको डोमिनार 400 में मिलता था। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक माइटी डोमिनार हो सकती है, जो कि आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है। एंड जल्दी इसको बजाज लॉन्च कर देगा इंडियन मार्केट में, लगभग 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज अभी टेस्टिंग पे चल रही है। तो ये लगा लीजिए आप हाईएस्ट 3 मंथ्स लेके चलिए कि उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी। देखो, इसको लेना चाहते तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, बिकॉज ये बाइक काफी दिनों से वेटिंग में चल रही थी। ये नहीं, मतलब बजाज ने कन्फ्यूज कर रखा था कि 250cc बाइक आएगी। काफ़ी सारे डिजाइन भी आए थे कि NS 250 आएगी, Pulsar 250 आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डोमिनार 250 देखने को मिलेगी, बिकॉज पल्सर की तो काफ़ी अच्छी सेलिंग है। तो सो उस वजह से बजाज ने दिमाग लगाया कि क्यों ना डोमिनार 250 को लॉन्च किया जाए। सो उस वजह से यहाँ पे आपको 2020 में डोमिनार 250 देखने को मिलने वाली है, जो कि 100% कन्फर्म मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज जो फोटोज़ है एंड जितनी भी न्यूज़ है उनके अकॉर्डिंग अभी तक यही मतलब न्यूज़ आई है कि डोमिनार 250 ही लॉन्च होने वाली है, जो कि आपको ऑटो एक्सपो 2020 में देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ गाइस, इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। टेक्निकली चेंजेस हो सकते हैं, जैसे पावर वगैरह का डिफरेंस। पावर यहाँ पे आपको 30-35 BHP तक मिल सकती है, लेकिन एग्जैक्ट अभी तक कोई भी निकल के नहीं आई है। एंड टॉर्क फिगर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 25 Nm से 28 Nm तक देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग बोल रहे कि ड्यूक 250 का इंजन मिलेगा, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है, ड्यूक 250 नहीं मिलेगा। ड्यूक 250 का यार ऐसे कैसे लगाएं। सो गाइस, ड्यूक 250 का तो आपको इंजन मिलने से रहा है इसमें, बिकॉज बजाज का एक अलग से 250cc का इंजन बनने वाला है, जिसमें कि आपको अच्छी खासी पावर एंड टॉर्क मिलेगी एंड अच्छी खासी परफॉर्मेंस उससे आपको मिलेगी। यार KTM का ऐसे नहीं फिट कर सकते, यदि सेम स्पेक्स हो गए तो फिर कोई भी बजाज की तरफ नहीं जाएगा या फिर कोई भी KTM की तरफ नहीं जाएगा। यदि जो सस्ती बाइक होगी वो उसी की तरफ जाएगा। सो ये यहाँ पे नहीं होने वाला, डिफरेंट इंजन्स होने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा और भी चेंजेस हो सकते हैं। गाइस, फुल डिटेल वीडियो आपको तभी मिलेगी तब ऑटो एक्सपो में ये बाइक शोकेस की जाएगी। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो गाइस, ये तो कुछ आज की वीडियो में। यदि आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। एंड इसकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस अभी तक लेके चल रहे हैं वो है 1.50-1.70 lakhs। तो देखते हैं कितने में लॉन्च होती है बाइक, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये आपको ऑटो एक्सपो 2020 में देखने को मिलने वाली है। ऑटो एक्सपो 2020 यार काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी बाइक्स एंड काफ़ी सारी कार्स आने वाली, जो कि आपको शायद
आज तक जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी बाइक्स एंड ऐसी ऐसी कार्स आएंगी। बिकॉज 5 साल पहले एक ऑटो एक्सपो लगा जिसमें काफ़ी सारी ऐसी ऐसी मतलब मॉडल्स आए थे जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। सो शायद आपको उनमें से कुछ मॉडल्स अब देखने को मिल जाए। सो गाइज उसकी वीडियोस आपको जल्द ही मिल जाएंगी। सो गाइज ये था कुछ आज की वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट कर लेना, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टा पे मेरे को डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। MRD व्लॉग्स के नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पे जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सो गाइज यही था कुछ आज की वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।